तो स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक हाउस पर। जैसे कि फ्रेंड्स उम्मीद और आशा यही करते हैं कि आप सभी घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो यहाँ पर कोविड 19 के बाद अगर मान लीजिए जल्दी से जल्दी लॉकडाउन जैसे खत्म होता है तो आपके मन में बहुत सारी क्वेरीज होगी कि हम कौन सा मोबाइल यहाँ पर चूज करें और कौन सा मोबाइल आपको लेना चाहिए। तो यहाँ मैंने कैटराइज करें जो लॉन्च हो गया था एक फोन हमारा ओप्पो का रिनो 3 प्रो और वीवो 19 भी थोड़ी सी लॉन्च डेट आगे बढ़ गई है वो भी आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए इसको अगर आप इन दोनों फोन में से कोई सा भी फोन लेना चाहते हैं तो वीडियो पर बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या कंपेरिजन इन फोन्स के अंदर है और क्या क्या डिफरेंट फीचर आपको क्वालिटी मिलने वाली है वो आपको यहां पर क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब बटन दबाकर जुड़ जाइए टेक हाउस की फैमिली के साथ। तो यहां पे रेनो 3 प्रो में हम देख लेते हैं पहले डिस्प्ले क्वालिटी। तो यहां पर 6.40 इंचेस का आपको सुपर एमोलेड रेजोल्यूशन डिस्प्ले मिलता है 12.5 होल के साथ और व्यू 19 में भी आपको सेम स्पेसिफिकेशन 6.64 के साथ सुपर एमोलेड रेजोल्यूशन और डिस्प्ले मिल जाता है। मतलब कि दोनों ही फोन के अंदर जो क्वालिटी डिस्प्ले की वो काफी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट है। सुपर एमोलेड रेजोल्यूशन मिल रहा है और रेपो के अंदर यहाँ पर पंच होल के साथ आपको सुपर एमोलेड रेजोल्यूशन मिल रहा है। मतलब ये काफी इंटरेस्टिंग से इस बार होने वाला है। बात करते हैं अब यहाँ पर कैमरा क्वालिटी की। जो कैमरा क्वालिटी का इस बार जो हमेशा ओप्पो रिव्यू के फोन में काफी बेटर कैमरा था आपको क्वालिटी पिक्सल रेजोल्यूशन मिलता है तो रेनो 3 प्रो में हमने यहाँ पर देखा है इस बार जो फ्रंट में सेल्फी दी कंपनी ने वो ड्यूअल पंच होल के साथ आपको आने वाले जिसमें कि 44 मेगापिक्सल का आपका रियर सेंसर होने वाला 2 मेगापिक्सल का आपका वाइड एंगल शॉट भी हो जाएगा। मतलब जो सेल्फी की क्वालिटी है वो यहां पर रेनो 3 प्रो में अभी तक की सबसे ज्यादा पिक्सल वाला कैमरा देखने को मिल जाता है। 64+13+8+2 मतलब कि 64 का यहाँ पर रियर सेंसर प्राइमरी वाला भी आपको मिल जाएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं वीवो की बात कर लेते हैं। यहाँ पर तो वीवो ने यहाँ पर 32+2 की सेल्फी दी है। 32 हमें वीवो V17 में मिला था और 2 की एक्स्ट्रा आपको वाइड एंगल सेल्फी भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर माइनस पॉइंट सिर्फ यही नजर आया वीवो के अंदर कि जो 48+8+2+2 का जो क्वाड कैमरा सेटअप था वो आपको वीवो V19 के अंदर भी वही देखने को मिला था। तो यहाँ पर थोड़ा सा निराशाजनक ये बनता है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं बात करते हैं फोन के परफॉर्मेंस क्वालिटी की। तो परफॉर्मेंस यहां पर हम देख लेते हैं कि जो दोनों फोन में कैसी क्या मिलती है आपको। रेनो 3 प्रो के अंदर आपको एंड्रॉइड 10Q के साथ मीडियाटेक का ही Helio P95 प्रोसेसर मिलने वाला है और वहीं वीवो V19 की बात करें तो एंड्रॉइड 10Q बेस्ड ये भी आने वाला है और इसी के साथ आपको मिल जाता है कॉलकॉम का स्नैपड्रैगन 712G। यहां दोस्तों थोड़ा सा वीवो ने अपना प्रोसेसर बढ़ाया है लेकिन अगर खास उम्मीद हम ये कर रहे थे कि 855 का चिपसेट अगर होता या 865 का चिपसेट होता तो काफी और बेहतरीन यहां पर वीवो के फीचर्स क्वालिटी आपकी निकल कर आ जाती। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं बात करते हैं दोनों ही फोन का स्टोरेज कैपेसिटी की। तो फोन की जो बेसिक वेरिएंट है वो आपको कैसे मिलते हैं। रेनो 3 प्रो की बात करें 8GB 128GB साथ फोन आने वाला है। वहीं वीवो V19 भी 8GB 128GB के साथ आता है और दोनों ही फोन के अंदर बेटर ऑप्शन ये है अपने हिसाब से आप अपनी फोन की मेमोरी को एक्सपेंडेबल कर सकते हैं। ये अच्छी चीज होती है कि आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मेमोरी को। तो चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं बात करते हैं दोनों ही फोन के यहाँ पर बैटरी बैकअप की कि फोन के अंदर आपको बैटरी बैकअप कैसा मिलता है। तो यहाँ पर रेनो 3 प्रो में हम देख लेते हैं रेनो 3 प्रो में आपको 4025mAh की बैटरी मिल जाती है 13W के फास्ट चार्जर के साथ और वीवो V19 के अंदर आपको 4500mAh की बैटरी मिलती है 33W के फास्ट चार्जर के साथ। मतलब कि वीवो की बैटरी की क्वालिटी आपको इंप्रूवमेंट वाली मिलती है एज कंपेयर रेनो 3 प्रो से। तो चलिए यहाँ पर पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं यहां पर कौन सी बेस्ट फोन आपके लिए होने वाला है। तो ओप्पो भी हम काफी हमेशा टफ कंपटीशन बना रहा है तो वे रेनो 3 प्रो की बात कर लें तो 8GB 128GB के साथ आपको जो बेसिक वेरिएंट फोन का वो 29,990 में इंडियन मार्केट में अवेलेबल होने वाला है। इसके सारे कैमरा अगर देखना चाहते हैं रिव्यू चैनल पर मिल जाएगा। वीवो V19 की बात करें तो वीवो V19 में आपको 8GB 128GB के साथ आता है लेकिन डिफरेंस काफी है यहाँ पर 25,990 में आपको ये फोन मिलने वाला है। लेकिन माइनस पॉइंट बहुत सारे फोन में निकल कर आए हैं लाइक अगर इंप्रूवमेंट वाली चीज देखें सिर्फ वाइड एंगल सेल्फी हुई है बाकी ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है वीवो V17 से। लेकिन रेनो 3 प्रो में काफी अच्छे आपको फीचर्स क्वालिटी इंप्रूवमेंट वाली मिल जाती है एज कम्पेयर रेनो 3 सीरीज से। तो यहाँ पर वीडियो बिल्कुल बने रहिए लास्ट तक और अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए टेक हाउस की फैमिली के साथ और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए।